हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी पूरे चैनल पर। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया आप सभी के लिए। दोस्तों, बीएससी बीकॉम प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए एग्जाम के लिए नोटिस जारी किया है। जो अभी आपकी परीक्षा हुई 21-22 की, रिजल्ट नहीं आया है कुछ छात्रों का, तो दोस्तों सभी के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं NEP 2020 के अंतर्गत संचालित बीएससी एवं बीकॉम के पाठ्यक्रम के सत्र 21-22 के प्रथम द्वितीय सेमेस्टर छात्रों का गलत माइनर इलेक्ट्रिक एवं स्किल डेवलपमेंट विषयों का चयन किया गया था तथा महाविद्यालय द्वारा भी परीक्षा फॉर्म सत्यापित कर उन त्रुटि को अनदेखा करते हुए परीक्षा फॉर्म विद्यालय विभाग को विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग को प्रेषित किए गए थे। दोस्तों, जो आपने सब्जेक्ट गलत चुने थे, वही आपको जो महाविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म भरे गए हैं उनको सत्यापित कर दिया गया है महाविद्यालय द्वारा और विश्वविद्यालय को भेज दिए गए थे गलत फॉर्म ही। तो दोस्तों, यहाँ पर अब कहा गया है कि जो गलत फॉर्म भरे गए हैं उनको आप सही करा ले। यहाँ पर दिया गया फर्स्ट पे 21-22 के बीएससी बीकॉम एवं पाठ्यक्रमों के ऐसे छात्र जिन्होंने गलत माइनर इलेक्टिव एवं स्किल डेवलपमेंट विषयों का चयन किया है के विषय कॉलेज के लेटर हेड पर आत्मव्याघातमक परीक्षा नियंत्रण के नाम पर लिखते हुए विश्वविद्यालय को प्रेषित करें ताकि व्याप्त त्रुटियों को दूर कर सही परीक्षा परिणाम निर्गत किया जा सके। महाविद्यालय से अनुरोध है कि 17-22-23 के प्रवृत्ति छात्रों के NEP प्रथम सेमेस्टर तथा 21-22 के प्रवृत्ति छात्रों के तृतीय सेमेस्टर एवं प्रथम सेमेस्टर के बैक पेपर परीक्षा फॉर्म सत्यापित करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि छात्र ने कहीं सही माय इलेक्टिव या स्किल डेवलपमेंट विषयों का चयन किया है, सही किया है। अवगत करना है कि पोर्टल पर परीक्षा फॉर्म सत्यापित करने से पूर्व महाविद्यालय के पास छात्रों के माइनर इलेक्टिव एवं इसके डेवलपमेंट विषयों का परिवर्तन की शक्ति उपलब्ध है। दोस्तों, अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना फॉर्म भरेंगे, लेकिन ये जो महाविद्यालय को चेक करना है कि आपने जो विषय सेलेक्ट किया है वो सही किया है कि नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे छात्र जिन्होंने गलत माइनर इलेक्टिव एवं स्किल डेवलपमेंट विषयों का चयन किया है के विषय कॉलेज के लेटर हेड पर। दोस्तों, आप कॉलेज के लेटर हेड पर एक आत्मव्याघातमक पत्र लिखना है परीक्षा नियंत्रक के नाम पर और विश्वविद्यालय को प्रेषित करना है। दोस्तों, आप ये करेंगे तो आपका जो लेटर है, जो आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी जारी हो जाएगा और आपको जो रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है विषय के चयन की और आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है अभी तक, तो वो भी सही हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही अपडेट था आज का। थैंक यू फॉर